राजनीति में सब संभव होता है, कुछ प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है, कुछ और चीज़ें भी होती हैं, तो अब तो हम भी अभी राजनीति सीख ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकार पूरी तरह स्थिर है, आपने अभी भी एक बात कही, मैंने कुछ नहीं कहा, वो हाई कमांड, मैंने ये कहा कि हाई कमांड अल्टीमेटली तो हाई कमांड ही डिसाइड करेगा ना। बिल्कुल, सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे को तो आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का मैंने सीधा सीधा उत्तर आपको दे दिया कि हमें जो जिम्मेवारी दी थी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करके मैं आपके बीच में खड़ा हूँ और स्पष्ट तरीके से आपसे जो है वो चर्चा कर रहा हूँ। और ये भी कह सकता हूँ कि मैं जो है जो भी है जो भी होगा मैं खुले दिल से और साफ तरीके से करता हूँ। लगता है अभी राजनीति में सब संभव होता है, कुछ प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है, कुछ और चीज़ें भी होती है, तो अब तो हम भी अभी राजनीति सीख ही रहे, ऐसा नहीं है, पर काफ़ी चीज़ हमने भी अपने पूर्वजों से सीखी है और कई चीज़ें ऐसी पहले भी आई, ऐसा नहीं है कि ये स्थिति पहली बार हिमाचल में ऐसी बनी है, हो सकता है कि इस सर्कमस्टांसिस में पहली बार बनी हो, मगर ऐसी स्थितियाँ तो बहुत बारी प्रदेश के अलग अलग कोनों में देश में आती है, तो राजनीति में कभी भी कोई दरवाजे खुले नहीं होते और हमेशा के लिए कभी कोई दरवाजे जो है वो बंद नहीं होते हैं। अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, मगर वो दरवाजे खोल दिए, उनको फिर से मुख्यमंत्री जो है वो NDA का बना दिया। तो ये चीज़ें राजनीति में चलती रहती है, यथास्थिति बनना और उसको बिगड़ना, ये यही राजनीति है। तो ये तो आप आगे आने वाले समय में देखते रहेंगे।